तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में 2 सेट्स 15 रेपिटेशंस के स्लो करेंगे और पूरा फील करेंगे बाइसेप को, अपने मसल में बर्न फील करना है। मेन सेट स्टार्ट करेंगे बारबेल कर्ल्स का, इसके 4 सेट करेंगे 8 से 10 रेपिटेशंस के बीच में। सो ट्राई करना है हर बार वेट बढ़ाना है, हर बार ओवरलोड करना है। ये मेनली टारगेट करेगा हमारे ओवरऑल बाइसेप को। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ट्राइसेप रोप प्रेस डाउन, इसके 4 सेट्स करेंगे 10 रेपिटेशंस के। और इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके कौन से पार्ट को टारगेट करता है। ये मेनली टारगेट करता है हमारे लेटरल हेड को। ये पर्सनली पसंद है एल्बोज थोड़ी बाहर रख के करना, बिगनर्स इसे एल्बोज अंदर टकिंग करके ही करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं फीचर कर्ल, इसके 3 सेट्स करेंगे 10 रेपिटेशंस के। और इसमें हम मेनली टारगेट कर रहे हैं अपनी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप यानी इनर बाइसेप को। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सिंगल आर्म लाइन ट्राइसेप या सिंगल आर्म स्कल प्रेशर कह सकते हैं इसे। 3 सेट्स करने हैं 10 रेपिटेशंस के। अगेन ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं अपने मीडियल हेड को, जिसको अक्सर लोग निगलेक्ट कर देते हैं। और सेकेंडरी मसल जो इसमें काम कर रही है वो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यानी इनर हेड। स्लो एंड स्टडी पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील करें, पूरा नीचे लाएं, पूरा ऊपर हाथ खोलें, क्योंकि ये एक्सरसाइज डेंजरस भी हो सकती है आपके टेंडन्स के लिए। इसलिए वेट हल्का ही चूज करें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही चूज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बिहाइंड द बैक केबल कर्ल, इसके हम 3 सेट्स करेंगे 10 रेपिटेशंस के। ये स्लो पूरा फील करना है हमें कॉन्ट्रैक्शन ऊपर लाते वक्त। और मेनली ये टारगेट करता है हमारे आउटर बाइसेप को, मतलब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सिंगल आर्म ट्राइसेप प्रेस डाउन केबल पे, 3 सेट्स करेंगे 10 से 12 रेपिटेशंस। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लेटरल हेड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप इसकी जगह बेंच डिप्स भी कर सकते हैं। सो यस, अगेन ये टारगेट कर रहा है आपके लेटरल हेड को। आराम से फील करें, पूरा ऊपर लाएं, नीचे कॉन्ट्रैक्ट करें। सो ये था मेरा पूरा आर्म्स वर्कआउट। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें।